यूट्यूब के इस चैनल में सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। जो भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं तो शिक्षा जगत से संबंधित किसी भी खबर को पाने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन जरूर एक्टिव कीजिए ताकि दोस्तों पल पल की जो भी अपडेट है वो आप तक दोस्तों पहुँचती रहे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे STTV विस्तार से। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जब से STT का रिजल्ट जारी हो चुका है अभ्यर्थियों की निगाहें कहीं ना कहीं अब जो है वो टिकी हुई है कि कब तक उनकी विद्यालयों में नियुक्ति हो, कब तक वो शिक्षक बने और कब तक वो विद्यालयों में पढ़ाने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे में देखिए दोस्तों एक बहुत अच्छी खबर भी सामने उभर के आ रही है क्योंकि कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा ये सूचना मिल रही है कि उन्हें जो है लगातार बिहार बोर्ड BSP की तरफ से मैसेज आ रहा है और जिसमें कि लिखा गया है कि सर्टिफिकेट जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डेट बता दी गई है और कहां से ये सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि STT अभ्यर्थी जो इंतज़ार में बैठे हैं कि भाई उनको अब जल्द से जल्द सर्टिफिकेट दिया जाए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का, क्योंकि रिजल्ट के बाद अब निगाहें माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के सर्टिफिकेट और नियुक्ति पर ही टिकी हुई हैं। और जैसा कि सभी को ज्ञात है कि अभी 106 अभ्यर्थियों की परीक्षा हुई है, उसके बाद 3 विषयों का अभी फिर से जो रिजल्ट है वो जारी होना है। केवल हम बात करें तो 24,000 अभ्यर्थी ही सफल हुए थे, 24,000 अभ्यर्थियों को ये रिजल्ट मिला है, जबकि 37,000 पदों के लिए ये भर्ती की प्रक्रिया थी, लेकिन 37,000 अभ्यर्थी भी क्वालिफाइड नहीं हुए हैं और पद जो हैं अभी भी खाली हैं। तो ऐसे में एक सवाल और सामने उभर के आ रहा है जो काफ़ी बड़ा है, वो ये है दोस्तों कि अगर 37,000 पद में अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं तो क्या विभाग इन पदों को लेकर और जो 33,916 नए पद सृजित किए गए थे उन पदों को भी लेके क्या कुल जो है फिर से STT हो सकती है? कुल 70,000 हम कह सकते हैं कि वैकेंसी निकाली गई थी, आपको ज्ञात होगा अगर आपने पहले ऑफिशियल लेटर पढ़ा होगा, क्योंकि 37,000 के साथ 33,916 नए पदों को भी जोड़ा गया था, जैसा कि आप सभी को भी ये ज्ञात होगा। अब आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है डियर कैंडिडेट, STT सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम 25 अप्रैल एंड कंप्लीट बाय 9th मई, सर्टिफिकेट विल बी गिवन इन DO ऑफिस ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है DO ऑफिस से आपको जो है वो सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ऐसा मैसेज काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, अब इसमें कितनी हकीकत है वो तो आने वाला समय ही बताएगा। तो STT अभ्यर्थियों के लिए एक अच्छी खबर है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 25 अप्रैल, यानी कि सर्टिफिकेट देने की तिथि जो है वो जारी की गई है शिक्षा विभाग के द्वारा और ये मैसेज आया है शिक्षा विभाग के द्वारा STT अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, ऐसे ही मैसेज कई सारे अभ्यर्थियों को आए हुए हैं। देखिए, डियर कैंडिडेट्स, प्ली डाउनलोड योर STT एडमिट कार्ड एंड योर आप नंबर STT फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट। देखिए, ये पहले जो मैसेज आया था उसमें इस तरीके से BSP जो है वो मैसेज भेजता है कि अगर आपको अपना एडमिट कार्ड परीक्षा देने देना है तो परीक्षा के लिए आपको एडमिट कार्ड ऐसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है। उसी तरीके से जब आपको सर्टिफिकेट देने की बात आई तो इस तरीके से जो है ये मैसेज जो है वो भेजा गया। ठीक है, अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो आपका सर्टिफिकेट है वो कैसा होगा, किस तरीके से आपका सर्टिफिकेट जो है किस तरीके का होगा और कहाँ कहाँ पे क्या आपका कंबाइंड दिया जाएगा पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड का जो है। ठीक है, तो ये पहले 2011 का सर्टिफिकेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं बॉथ पेपर 1 पेपर 2 दोनों का एक साथ देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेट दिया। इन्होंने देखिए मैथ और साइंस का भी दिया था और कंप्यूटर साइंस का भी, क्योंकि अभ्यर्थियों में कन्फ्यूजन था कि सर्टिफिकेट पेपर 1 पेपर 1 का दोनों को कंबाइंड दिया जाएगा अलग अलग दिया जाएगा। तो पहले देखिए दोस्तों, जो 2011 में STT की परीक्षा हुई थी उसमें तो जो ये सर्टिफिकेट दिया गया था वो कंबाइंड में दिया गया था। ठीक है, और अब हमें ये देखना है कि इस वाले में जो ये जो आपकी 2019-20 में जो STT की परीक्षा हुई और जिसका परिणाम घोषित किया गया, इसमें अब हमें देखना होगा कि जो भी आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड किया जाता है वो आपका
किस टाइप का होगा, पेपर वन या पेपर टू, दोनों बॉस एक साथ होंगे या फिर दोनों डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं पहले अभ्यर्थियों को जो ये सर्टिफिकेट मिला था वो किस टाइप का था, देख सकते हैं। दूसरी हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे चीफ जस्टिस जो भी संजय करोल हैं, जिन्होंने की ब्लाइंड केस फेडरेशन का जो भी सुन रहे थे मामला, उनको कोरोना हुआ है और इस वजह से ब्लाइंड केस फेडरेशन का मामला किसी और दे सकते हैं चीफ जस्टिस को दिया जाएगा सुनने के लिए। और जैसा कि मैं पल पल की अपडेट आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो पटना हाई कोर्ट से एक अच्छी खबर आ सकती है ब्लाइंड केस फेडरेशन में। और जैसे ही ब्लाइंड केस फेडरेशन यानी कि दिव्यांगजनों का जो एक केस है, जिसे लेकर कि पूरा का पूरा मैटर जो था वो पटना हाई कोर्ट में गया था, और एसटीटी जो चल रही थी भर्ती और जो भी 94 आरक्षक भर्ती है, दोनों की दोनों जो फंसी हुई थी, ठीक है, तो इन्हें देखिए एम्स में ये भर्ती हैं, इन्हें कोरोना हुआ है और इस वजह से जो प्रक्रिया है डिले हो सकती है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि कई सारे मैंने कमेंट भी पढ़े अभ्यर्थियों के, जिसमें कहना है कि क्या उन्हें पसंदीदा विद्यालय जो है वो मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इस पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात सामने उभर के आई है, वो ये है कि भाई पसंदीदा अगर हम स्कूल की बात करें तो कैसे आपको मिल पाएगा अपना पसंदीदा स्कूल। अब सबसे पहले तो आपने जो एक फॉर्म भरा होगा दोस्तों, इसमें कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि भाई आपको ये विद्यालय जो है मिलेगा, क्योंकि इसमें विद्यालय का कहीं पे भी मेंशन करने को नहीं आया हुआ है कि भाई आपका दे सकते हैं कि आप विद्यालय का नाम है या आपको भरना है। ठीक है, नगर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पद के नियोजन हेतु आवेदन पत्र, नगर माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित, नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षित, और ये तमाम चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ पे भरनी है, आप दे सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आप कहीं पे भी देखें तो इसमें स्कूल के बारे में नहीं है कि भाई आप फॉर्म, मतलब कभी कभी आपने देखा होगा जो फॉर्म भरे जाते हैं उसमें लिखा होता है, या जब आप कोई भी परीक्षा देने जाते हैं तो आपको लिखा होता है कि आपको परीक्षा कौन से ज़िले में देनी है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं, जो ये फॉर्म था इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया था कि भाई आपको मतलब कौन, मतलब स्कूल का कोई इसमें वो जिक्र नहीं है कि भाई कौन से विद्यालय में आपको पढ़ाना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है कि इसे लेकर अभ्यर्थियों के लिए मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बात जानना, ये कि कैसे आपको अपना पसंदीदा स्कूल मिलेगा। अगर किसी को मिल भी जाता है तो उस पर फिर से क्या हो जाएगा, केस हो जाएगा, क्योंकि अभ्यर्थी जो है अगर किसी के ज़्यादा नंबर आते हैं और उसको अपना ज़िला नहीं मिलता है तो वो अभ्यर्थी तुरंत जाके पटना हाईकोर्ट में केस कर देगा कि भाई फलाना अभ्यर्थी को जो है वो ये वाला ज़िला कैसे मिल गया जबकि हमें नहीं मिला। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भाई ऐसा कुछ भी जो है वो हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए पसंदीदा स्कूल मिलना अभी ये कोई भी क्लियरिफिकेशन इसका नहीं है, बस आप ये देखिए कि जितना आपका टॉप स्कोर होगा, टॉप स्कोर के आधार पे ही आपको अपना पसंदीदा ज़िला मिलने का चांस है। और वो भी आप अगर आपसे अधिक किसी कैंडिडेट्स का है तो फिर उसमें भी प्रॉब्लम या समस्या आ सकती है सामने उभर के। ठीक है, तो ये बात को ध्यान देना है कि भाई पसंदीदा विद्यालय आपको तभी मिलेगा जब आपके आप टॉप स्कोरर होंगे। ठीक है, तो ये है नगर माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पद हेतु नियोजन हेतु आवेदन पत्र, और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आवेदन पत्र था, क्या क्या चीज़ें इसमें भरी गई थी वो आप मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जब अभ्यर्थियों ने ये पूछा था कि पसंदीदा स्कूल उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन डेट क्या है, तो उसके बारे में मैंने आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया। और आप देख सकते हैं इसमें कहीं भी विद्यालय का नाम नहीं है, तो इसलिए आपको टॉप स्कोर के आधार पर ही जो है वो आपको अपना जिला मिलेगा, लेकिन उसमें भी कोई अभ्यर्थी आपके कंपटीशन में अगर ना हो तो। ठीक है, और ये मैसेज जो आपका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था, इसको कई लोग ये भी बता रहे हैं कि ये मैसेज फेक है, लेकिन देखिए इस मैसेज में कहीं भी आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ये फेक हो। ठीक है, एसटीटी काउंसलिंग विल बी ऑनलाइन अंटिल द लास्ट ऑफ अप्रैल, ये कहा गया है कि काउंसलिंग जो है अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक प्रारंभ कर दी जाएगी, और कैंडिडेट्स मस्ट कीप दिस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद देम, मेट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन एंड बीएड पीजी वोकेशनल ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, डोमोसाइल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है दे सकते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट, तो तमाम चीज़ें कहा गया है कि भाई आप जो है अपने जारी रखें, क्योंकि प्रधान सचिव का एक बड़ा टूट था और जिस प्रकार से सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है
और इस प्रकार कई अभ्यर्थियों को ये मैसेज आया है। तो ये मैं एक ही अभ्यर्थी की बात नहीं करूँगा, कई सारे अभ्यर्थियों को देखो, मैंने आपको एक मैसेज पहले भी दिखाया, एक मैसेज देखिए, ये भी आया, डियर कैंडिडेट, एसटीटी सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड विल बी स्टार्ट फ्रॉम द 25th अप्रैल एंड कम्प्लीट बाई 9th मई, यानी कि 9th मई 25 अप्रैल से लेके 9 मई तक जो है आपका सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, विल बी गिवन इन DU ऑफिस ऑफ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट। तो एक बात तो क्लियर हो जाती है दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई जो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन है वो 25 अप्रैल से होगा, क्योंकि अगर सभी अभ्यर्थियों को ये मैसेज आ रहा है इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है। ठीक, अगर किसी एक ही कैंडिडेट को ये मैसेज आ रहा, देखिए मैंने आपको दो तरीके का मैसेज दिखा दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि भाई भाग अगर सर्टिफिकेट दे देता है और अगर छठवें चरण की शिक्षक बहाली की प्रक्रिया किसी न किसी तरीके से कंप्लीट हो जाती है तो भाई बस अब उसके बाद सीधे आपके विद्यालय में नियुक्ति की प्रक्रिया ही प्रारंभ होगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।